स्टूडेंट स्टैंडर्ड सेवन सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर फोर सिंपल इक्वेशंस ओपन योर टेक्सट बुक पेज नंबर सेवेंटी नाइन फोर पॉइंट थ्री तक हमने किया था अब है फोर पॉइंट फोर वोट इक्वेशन इज सो इन एन इक्वेशंस देर इज ऑलवेज एन इक्विलिटी शाइन द इक्विलिटी शाइन सो दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट ऑफ द साइन मतलब लेफ्ट ऑफ द साइड एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं उसे इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन टू द राइट ऑफ द साइड राइट राइट हैंड साइड उसे शॉर्ट में लिखेंगे आर एच एस इन इक्वेशन फोर पॉइंट वन ई फोर पॉइंट वन द साइड इज़ फोर एक्स प्लस फाइव उसकी लेफ्ट हैंड साइड है फोर एक्स प्लस फाइव एंड द राइट हैंड साइड कौन सी है सिक्सटी फाइव इन इक्वेशन द साइड इज और फोर पॉइंट टू में लेफ्ट हैंड साइड है टेन वाई माइनस ट्वेंटी एंड राइट हैंड साइड है ट्वेंट यहाँ पे देखो एंड राइट हैंड साइड है फिफ्टी ओके इफ देर इज सम साइन अदर देन द इक्विलिटी साइन बिटवीन द राइट लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड इट इज़ नोट एन इक्वेशंस यहाँ पे क्या है देखो इज इट से दैट द वैल्यू ऑफ फोर एक्स प्लस फाइव इज ग्रेटर देन सिक्सटी फाइव सिंपली 4x एक्स प्लस फाइव इज नोट इन इक्वेशन यहाँ पे जो है 4x एक्स प्लस फाइव इज लेस देन है सिक्सटी फाइव से वो कम है इज नॉट एन इक्वेशन इट सेट द वैल्यू ऑफ फोर एक्स इज प्लस फाइव इज मॉलर दैन सिक्सटी फाइव इन इक्वेशंस वी ऑफन फाइंड दैट द राइट हैंड साइड इज जस्ट अ नंबर इन इक्वेशन फोर पॉइंट वन

Uh, right hand side 4x, uh, sorry, left hand side 4x plus 5 and right hand side 6x minus 25. In short, an equation is a condition on a variable. The condition is that two expressions should have equal value. Note that at least one of the two expressions must contain the variable. We also note सिंपल एंड यूजफुल प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेश द इक्वेशन्स फोर एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू सिक्सटी फाइव इज द सेम एस सिक्सटी फाइव इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस फाइव ये इक्वेशन है फोर एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू सिक्सटी फाइव उसे हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं सिक्सटी फाइव इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस फाइव सिमिलरली द इक्वेशन सिक्स एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस फाइव इज द सेम एस इससे हम कैसे और तरीके से लिख सकते हैं फोर एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू सिक्स एक्स प्लस माइनस ट्वेंटी फाइव इन इक्वेशन रिमेन द सेम व्हेन द एक्सप्रेंस ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द राइट आर इंटरचेंज वो लेफ्ट और राइट में इंटरचेंज हम कर सकते हैं दिस प्रॉपर्टी इज ऑफ फ्रेंड यूजफुल इज सोली इक्वेश सो ज़्यादा समझने के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं ठीक है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस फर्स्ट है द सम ऑफ थ्री टाइम्स एक्स सम ऑफ थ्री टाइम्स ऑफ एक्स एंड एंड इलेवन इज़ थर्टी टू थ्री टाइम्स एक्स है मतलब थ्री एक्स हुआ और सम है करना है इलेवन से तो हमारा आंसर आता है थर्टी टू तो क्या करेंगे थ्री एक्स प्लस इलेवन इज इक्वल टू थर्टी टू थ्री टाइम्स एक्स इज़ थर्टी थ्री एक्स सम ऑफ थ्री एक्स एंड इलेवन इज थ्री एक्स प्लस इलेवन द सम इज थर्टी टू आंसर क्या है थर्टी टू द इक्वेशन इज थ्री एक्स प्लस इलेवन इज इक्वल टू थर्टी टू देन नेक्स्ट देखो इफ यू सब्सट्रेक्ट फाइव फ्रॉम सिक्स टाइम्स अ नंबर सिक्स टाइम्स अ नंबर अब यहाँ पे देखो अस से द नंबर इज जेड यहाँ पे हमने लिया है नंबर जेड उसका सिक्स टाइम करना है मतलब सिक्स जेड हुआ उसमें से फाइव माइनस करना है सब्सट्रैक्ट फाइव सो सिक्स जेड माइनस फाइव और यू गेट क्या मिलेगा आपको सेवन तो सिक्स जेड माइनस फाइव इज इक्वल टू सेवन ओके उसके बाद देखो थर्ड उसके बाद थर्ड है वन फोर्थ ऑफ वन फोर्थ ऑफ एम इज थ्री मोर देन सेवन सो वन फोर्थ ऑफ एम इज एम बाय फोर वन फोर्थ इट इज ग्रेटर देन सेवन बाय थ्री इट इज ग्रेटर देन सेवन बाई थ्री मतलब क्या होगा दिस मीन्स द डिफरेंस डिफरेंस होगा एम बाय फोर माइनस सेवन इज इक्ल टू क्या आएगा थ्री समझ में आया वन फोर्थ ऑफ एम इज थ्री मोर देन सेवन मोर देन सेवन है तो हम सेवन को माइनस करेंगे एम बाय फोर माइनस सेवन इज इक्वल टू थ्री उसके बाद है वन थर्ड ऑफ नंबर प्लस फाइव इज ऐट वन फोर्थ थर्ड नंबर वन थर्ड है सॉरी हम नंबर लेते हैं एन उसका वन थर्ड एन बाय थ्री उसमें क्या प्लस करना है प्लस फाइव इज इक्वल टू में कितना मिलता है एट ये आपका इक्वेशन बन गया इजी है ना हाँ उसके बाद देखो एग्जांपल उसके बाद एग्जांपल टू सो कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इज इन स्टेटमेंट फ्रॉम यहाँ पर इक्वेशन दिया है हमें स्टेटमेंट बनाना है ठीक है एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू नाइन तो यहाँ पर एक्स को फाइव में से माइनस किया है और आंसर मिला है नाइन तो टेकिंग अवे फाइव फ्रॉम एक्स गिव्स नाइन उसके बाद है फाइव पीम यहाँ पर फाइव टाइम्स लिया है पी और उसका आंसर क्या मिलता है ट्वेंटी तो फाइव टाइम्स अ नंबर पी इज ट्वेंटी थ्री एंड प्लस सेवन इज इक्वल टू वन थ्री टाइम्स एन है उसमें सेवन एड किया है, हमें मिलता है वन एड सेवन टू थ्री टाइम्स एन टू गेट वन उसके बाद है एम बाय फाइव माइनस टू इज इक्वल टू सिक्स यू गेट सिक्स आपको सिक्स मिलेगा वेन आप यू सब्सटेक्ट टू फ्रॉम वन फिफ्थ यहाँ पे वन फिफ्थ मतलब एम बाई फाइव फिफ्थ अ नंबर एम ओके उसके बाद देखो एग्जाम्पल थ्री है कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस। राजूस फादर एज इज़ फाइव इयर्स मोर देन थ्री टाइम्स राजूस एज राजूस फादर इज़ फोर्टी फोर ईयर्स ओल्ड सेट अप एन इक्वेशन टू फाइंड राजूस एज वी नो देखो आंसर में देखते हैं वी डू नो नोट नो राजू से एज हम राजू की एज नहीं जानते हैं सो लेटेस्ट टेक इट टू बी वाई उसे हम क्या लेते हैं वाई लेते हैं ठीक है थ्री टाइम्स यहाँ पे है आपको क्वेश्चन में थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स राजू एज इज थ्री ईयर्स थ्री टाइम्स है सो थ्री ईयर्स हो जाएगा राजूज फादर्स एज इज़ फाइव ईयर्स मोर देन राजू राजू की थ्री uh, वाई देन थ्री टाइम्स राजूस एज इज थ्री वाई ईय एन राजूस फादर एज इज फाइव इयर्स मोर देन थ्री टाइम्स ऑफ राजू सेज तो प्लस हम क्या कर देंगे फाइव देन राजूस फादर्स एज इज़ फोर्टी फोर फोर्टी फोर तो इज इक्वल टू फोर्टी फोर फाइव ईयर्स मोर देन थ्री वाई देट इज़ राजूज फादर इज थ्री वाई प्लस फाइव उसके राजू के फादर की एज क्या आ गई थ्री वाई प्लस फाइव इयर ओल्ड इट इज ऑल्सो गिवन दट दट राजूज फादर इज फोर्टी फोर ईयर ओल्ड सो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा थ्री वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू फोर्टी फोर ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल है फोर अ शॉपकीपर सेल्स मैंगोस इन टू टाइप ऑफ बॉक्सिस वन स्मॉल एंड वन लार्ज एक टू बॉक्सिस हैं एक स्मॉल है और एक लार्ज है अ लार्ज बॉक्स कंटेन एज मैनी एज एट स्मॉल बॉक्सिस प्लस फोर लूज मैंग सेट अप एंड एक विच गिव द नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच स्मॉल बॉक्स द नंबर ऑफ मैंगोज इन अ लार्ज बॉक्स इज गिवन टू बी हंड्रेड देखो यहाँ पे लेटस्ट स्मॉल बॉक्स कंटेन एम मैंगोज यहाँ पे लेते हैं एम ओके लार्ज बॉक्स कंटेन फोर मोर देन ऐट टाइम्स एट टाइम्स है मतलब यहाँ पर एट टाइम्स हो गया एट एम करेंगे एट टाइम्स हो गया फोर मोर देन सो फोर हम प्लस कर देंगे फोर मोर देन ऐट टाइम्स एम एट टाइम्स एम से फोर ज़्यादा है प्लस फोर कर दिया सो so क्या हो जाएगा एट एम प्लस फोर मैंगो सोके सो बट दिस इज़ गिवन टू बी हंड्रेड दस हंड्रेड है बट दिस इज गिवन टू बी हंड्रेड दस हमारा इक्वेशन क्या हो गया एट एम प्लस फोर इज इक्वल टू हंड्रेड यू कैन गेट नंबर ऑफ मैंगोज इन अ स्मॉल बॉक्स बाय सोल्विंग धिस इक्वेशंस ओके आपको इक्वेशन कैसे बनता है वो समझ में आ गया और इक्वेशन पे से हमें स्टेटमेंट कैसे बनाना है वो भी आपको समझ में आ गया ओके okay? आप एग्जाम्पल दूसरी बार देखना आपको ज़्यादा समझ में आएगा ओके थैंक यू